गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रशासन कितने भी दावे कर ले, डिजिटल इंडिया की ओर चाहे लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी कर ले, मगर अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के चलते गांव में स्थिति जस की तस बनी हुई है। आईडी बना और न कहूँ आवास मिली और न हमारे कोनो काम भाई है। अपोर्ट से दी थी। आपका नाम क्या है दादा? हमारा नाथुराम ना साहब चकवाड़ियों को जाता है कुवार। हम हैरवार। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव के घर घर शौचालय बनाए जा रहे हैं, मगर गांव के सरपंच और सचिव मिलकर प्रशासन की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत नंदनवारा का सामने आया। यहां के सरपंच और सचिव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव ने हमारे शौचालय नहीं बनवाए और जो बने हैं वो आधे अधूरे हैं और उपयोग करने लायक नहीं हैं। गाँव की महिलाएँ खुले में शौच को जाने पर मजबूर हैं और गांव के आदिवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि उच्च वर्ण और पैसों वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। हमने कही पैसा मांग रहे थे, आप अभी कह रहे थे किस चीज के पैसा मांग रहे थे? पैसा दो पहले उसे हम जमा मकान बनवा दी। अच्छा हाँ। कितना पैसा मांगती है? 15 मांग रहा है। वो मांग सरपंच। अच्छा सरपंच मांग रहा 15 पे कह रही हूँ। अच्छा आपने पैसे नहीं दिए तो आपका घर नहीं बनाया? हमारा हमने पैसा है नहीं जमा लगा लगा हमने कहाँ से दे दी बताओ। हम लोग ने नदी ना पैसा है से दी थी किस ने करी सुन के बन गए हम लोग ने जमी था पैसा। आपके गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय बनाए गए या उनके लिए जो पैसा आया वो कितने परसेंट तक शौचालय बनाए गए? यहाँ पर लगभग 4.5 शौचालय आई थी। सारी रूप से यहाँ पर 10 शौचालय 12 चल रही लगभग करीब बाकी के शौचालय जो फॉर्मेलिटी दी गई है। अच्छा जो भी यहाँ पर राशन कार्ड के और कोविड के कारण करके किसी रूप की तहत परिचय किया गया। हमने कई बार यहाँ पर शिकायत जी कुछ नहीं हुआ है आज तक नहीं हुआ जितना होता है कभी नहीं होता। सर जैसा कि आपके अभी आदिवासी मोहल्ले में कुछ आदिवासियों ने आप पे आरोप लगाए थे कि हमारे शौचालय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं बनवाए गए और जो बनवाए गए हैं वो अधूरे बनवाए गए जो उपयोग करने के योग्य नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? आपकी सुनवाई की पूर्ण और कुछ महिलाओं ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि सरपंच तथा सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए हमसे रिश्वत मांगी गई थी और हमने रिश्वत नहीं दी तो हमारे प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाए गए और जिन्होंने 10,000 रुपये दिए उनके प्रधानमंत्री आवास बना दिए गए। इसमें कितनी सत्यता है? नहीं कुछ है हरिजन बस्ती में लोग बात बोल रहे थे कि हमारे शौचालय नहीं बनाए गए इसके नाम से बन रहे हैं। अच्छा इसके नाम में एक अभी कहाँ से बना शौचालय के बाद मुझे पड़े इसलिए अभी की पूर्ण है।